अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मैं जहांगीर, मेरे साथ है हमजा जहांगीर और आलमगीर, और आप देख रहे हैं हमारा चैनल पाकिस्तान रिएक्ट। तो कैसे हैं आप सब? ठीक हैं आप सबको माशा अल्लाह सलाम। और आज एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बड़ी कमाल किस्म की वीडियो आपके लिए लेके आए जी। और ये वीडियो वाकई में एक अपने आप में एक बड़ी खूबसूरत वीडियो है, और मैं तो बड़ा इंतजार कर रहा था इस तरह की वीडियो देखने के लिए, क्योंकि ये वीडियो है मुंबई वर्सेज शंघाई वर्सेज न्यूयॉर्क। तो आज ये कंपेरिजन है और ये वीडियो हम देखने वाले हैं। ब्रदर्स जू वालों की वीडियो है, एक नया चैनल है इनका, बहुत अच्छी वीडियो बना रहे हैं ये। इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन में हमने फर्स्ट पे इसका लिंक दिया हुआ है चैनल का। बिल्कुल, बहुत अच्छी वीडियो बना रहे हैं, सब्सक्राइब करें और साथ में हमारे चैनल को भी आप सब सबके सब एक साथ दबा दें, एक लाख लाल कलर के इस बटन को, और जल्दी से हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर कराए। ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे कॉम्पिटिशन सीरीज के एक नए वीडियो में। आज हम फिर से पब्लिक डिमांड पर एक नया कॉम्पिटिशन लेके हाजिर हैं, और आज की इस वीडियो में हम मुंबई शंघाई और न्यूयॉर्क को कॉम्पिटिशन करेंगे और देखेंगे कि इन तीनों शहरों में कौन किससे आगे है। दोस्तों वीडियो होने वाली है बहुत ही मजेदार, और आपको जानने को मिलने वाला है बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि ऐसे ही और कॉम्पिटिशन वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं पॉपुलेशन की। दोस्तों पॉपुलेशन की अगर बात करें तो मुंबई की टोटल पॉपुलेशन 2.25 करोड़ है, जो कि भारत की सबसे बड़ी आबादी वाला शहर है। वहीं शंघाई की टोटल पॉपुलेशन 2.63 करोड़ है, और शंघाई भी आबादी के मामले में चाइना में नंबर एक पर है। और न्यूयॉर्क की टोटल पॉपुलेशन 86.2 लाख है, और न्यूयॉर्क भी यूएसए की सबसे बड़ी आबादी वाला शहर है। जीडीपी, दोस्तों जीडीपी की अगर बात करें तो मुंबई की जीडीपी 368 बिलियन डॉलर्स है, वहीं शंघाई की जीडीपी 494 बिलियन डॉलर्स है, और न्यूयॉर्क की जीडीपी 807 बिलियन डॉलर्स है। एरिया, दोस्तों तीनों शहरों की टोटल एरिया या कहे क्षेत्रफल की अगर बात करें तो मुंबई की टोटल एरिया 603 स्क्वायर किलोमीटर है, वहीं शंघाई की टोटल एरिया 6341 स्क्वायर किलोमीटर है, और न्यूयॉर्क की टोटल एरिया 783.8 स्क्वायर किलोमीटर है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, दोस्तों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या कहे मानव विकास सूचकांक से हमें यह पता चलता है कि किसी शहर में बुनियादी जरूरतों तक लोगों की पहुंच कितनी है। तीनों शहरों के एचडीआई की अगर बात करें तो मुंबई की एचडीआई 0.846 है, वहीं शंघाई की एचडीआई 0.863 है, और न्यूयॉर्क की एचडीआई 0.941 है। रिलीजियन, दोस्तों तीनों शहरों की रिलीजियन यानी धर्म की अगर बात करें तो मुंबई में 65.99% हिंदू, 20.65% मुस्लिम, 4.85% बुद्धिस्ट, 4.15% जैन, 3.27% ईसाई और अन्य धर्म के लोग रहते हैं। वहीं शंघाई में 86.9% अथिस्ट यानी ये लोग कोई भी धर्म नहीं मानते हैं, 10.4% बुद्धिस्ट, 1.0% प्रोटेस्टेंटिज्म, 0.7% कैथोलिज्म, और 0.1% अन्य धर्म के लोग रहते हैं। और न्यूयॉर्क में 73% ईसाई, 17% इरिलीजियस यानी ये लोग कोई भी धर्म नहीं मानते हैं, 6% ज्यूइश, 1% हिंदू, 1% बुद्धिस्ट, 1% मुस्लिम और 1% अन्य धर्म के लोग रहते हैं। लैंग्वेज, दोस्तों तीनों शहरों में बोले जाने वाली भाषा की अगर बात करें तो मुंबई में सबसे ज्यादा मराठी बोली जाती है, वहीं शंघाई में सबसे अधिक वू चाइनीज बोली जाती है, और न्यूयॉर्क में लगभग 91% इंग्लिश और 49% स्पेनिश बोली जाती है। लिटरेसी रेट,
दोस्तों, तीनों शहरों की लिटरेसी रेट यानी शिक्षा दर की अगर बात करें तो मुंबई की शिक्षा दर लगभग 94% है, वहीं शंघाई में शिक्षा दर 97% है और न्यूयॉर्क में शिक्षा दर 84.7% है। बिलेनियस, दोस्तों तीनों शहरों में ही दुनिया के बहुत सारे बिलेनियस रहते हैं। मुंबई में कुल मिला के 49 बिलेनियस रहते हैं और मुंबई बिलेनियस के मामले में दुनिया में नंबर 6 पर है। वहीं शंघाई में 40 बिलेनियस रहते हैं और शंघाई दुनिया में नंबर 7 पर है। न्यूयॉर्क में 72 बिलेनियस रहते हैं और न्यूयॉर्क दुनिया में बिलेनियस के मामले में नंबर 1 पर है। ट्रांसपोर्टेशन, दोस्तों तीनों शहरों में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की अगर बात करें तो मुंबई में ज्यादातर लोग बसेस और ट्रेन में ही सफर करते हैं। हालांकि मुंबई में मेट्रो परिसेवा अपने शुरुआती स्तरों में ही है और मुंबई में मोनो रेल भी है। मुंबई के कुछ बड़े रेल स्टेशन की अगर बात करें तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, दादर स्टेशन, लोकमान्य तिलक टर्मिनस, मुंबई सेंट्रल, बांद्रा टर्मिनस, अंधेरी स्टेशन और बोरीवली स्टेशन जैसे बड़े स्टेशन है। और एयरपोर्ट की अगर बात करें तो छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट भारत का दूसरे सबसे बड़ा और दुनिया का 29वां सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और 2018 में लगभग 5 करोड़ से अधिक लोग इस एयरपोर्ट से सफर किए हैं। वहीं शंघाई में लोग मेट्रो से सफर करते हैं और मेट्रो के साथ साथ लोग ट्रेन, बसेस और टैक्सीज का भी इस्तेमाल करते हैं। शंघाई में मैगलेव ट्रेन भी है। शंघाई के कुछ बड़े रेलवे स्टेशनों की अगर बात करें तो शंघाई रेलवे स्टेशन, शंघाई साउथ रेलवे स्टेशन, शंघाई वेस्ट रेलवे स्टेशन और शंघाई होंगपाई रेलवे स्टेशन शामिल है। वहीं शंघाई की एयरपोर्ट की अगर बात करें तो शंघाई पुंगडोंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि चाइना की दूसरी और दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी एयरपोर्ट है और 2018 में इस एयरपोर्ट से लगभग 7.4 करोड़ लोग सफर किए हैं। और न्यूयॉर्क में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की अगर बात करें तो न्यूयॉर्क में ज्यादातर लोग मेट्रो के साथ साथ बसेस, ट्रेन और टैक्सीज का भी इस्तेमाल करते हैं। न्यूयॉर्क की कुछ बड़े रेलवे स्टेशन की अगर बात करें तो न्यूयॉर्क पेन स्टेशन, लॉन्ग आइलैंड रेल रोड, न्यू जर्सी ट्रांजिट और न्यूयॉर्क सबवे स्टेशन जैसे बड़े रेलवे स्टेशन है। और एयरपोर्ट की अगर बात करें तो न्यूयॉर्क में जॉन एफ केनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अब थोड़ा सा खाने पीने की बात करते हैं। दोस्तों, मुंबई में आपको बड़ा पाव, पाव भाजी, भेल पूरी और सेब पूरी, बटाटा बड़ा, बॉम्बे सैंडविच, मैसूर मसाला डोसा, बटर चिकन, कबाब, मोदक और कीमा पाव खाने को मिलेंगे। वहीं शंघाई में आपको सूप डंपलिंग्स, स्टीम क्रैब, स्मोक फिश स्लाइस, बर्गर चिकन, पीकिंग डक, ब्रेस्ट पॉर्क, फ्राइड पॉर्क बंस, शंघाई स्नैक, येलो क्रॉकर नूडल सूप और स्टीम अनियन पैनकेक्स खाने को मिलेंगे। और न्यूयॉर्क में आपको पास्तामी, बैगेल, डॉलर स्लाइस, हॉट डॉग, फालाफेल, स्नैक्स बर्गर्स, मीट ओवर राइस, न्यूयॉर्क चीज़केक, ब्लैक एंड व्हाइट कुकीज और पॉर्क बन खाने को मिलेंगे। चलिए अब थोड़ा सा घूमने फिरने की बात करते हैं। दोस्तों, मुंबई में आप मरीन ड्राइव, गेटवे ऑफ इंडिया, कोलाबा कॉसवे, जुहू बीच, सिद्धि विनायक टेम्पल, हाजी अली दरगाह, एलिफेंटा केव्स, संजय गांधी नेशनल पार्क, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम और फिल्म सिटी मुंबई जैसी जगह पर घूम सकते हैं। वहीं शंघाई में आप शंघाई स्पोमेनेट, यू गार्डन, द जेड बुद्धा टेम्पल, द शंघाई म्यूजियम, लोंगवा टेम्पल एंड पगोडा, द ओरिएंटल पैरेल टावर, नियानजिंग रोड, पीपल स्क्वायर, तियानजिंग फांग और शंघाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी म्यूजियम जैसी जगह घूम सकते हैं। और न्यूयॉर्क में आप स्टैचू ऑफ लिबर्टी,
टाइम स्क्वायर, सेंटर पार्क, नायग्रा फॉल्स, फिंगर लेक्स, लेक पैलेसिड, लेक जॉर्ज, थाउजेंड आइसलैंड्स, लेजबर्थ स्टेट पार्क और वाटकिंस लेंस स्टेट पार्क जैसी जगह पर घूम सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मुंबई, शंघाई और न्यूयॉर्क के बीच एक छोटा सा कंपैरिजन। और आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, हम बड़े मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, इसलिए एक छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर बनता है। धन्यवाद। वीडियो वाकई बहुत लाजवाब था और तकरीबन मैंने जो है ना देखा है और सबके सब कंपैरिजन में जो है ना सारी चीजें बराबर लगी हैं मुझे, सिवाय इस चीज के कि चाइना अमेरिका का जो था ना, अमेरिका का जो बजट था वो बहुत ज्यादा है, लेकिन लिटरेसी रेट के ऊपर मैं आके हैरान हो गया हूँ। तो मुझे लग रहा था कि शायद 100% होगा लिटरेसी रेट, लेकिन वो 86% आया है। मैं हैरान हो गया क्योंकि अमेरिका जैसे कंट्री में, न्यूयॉर्क जैसे जिनके शहर में लिटरेसी रेट 86%, मतलब 14% जो है ना लोग वो भी हैं जो पढ़े लिखे नहीं है। ठीक है, तो इसने मुझे काफी हैरान किया है। और वहीं पे अगर हम देखें इंडिया और चाइना, मुंबई और शंघाई को, तो 94-96% तकरीबन लेवल है, बराबर है। और दोनों का जो है ना, इतना बड़ा सिटी है और 2.5 करोड़ आबादी हो जिस शहर की, उसके अंदर लिटरेसी रेट का जो है ना इतना 94% लिटरेसी रेट हो, तो बहुत इसलिए मुंबई जो है इंडिया में बहुत बड़ी एक पावर है इंडिया की। सही बात है, और होना भी चाहिए क्योंकि वो इंडिया की जान है, अपने आप में उसकी एक पहचान है। तो इसलिए ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी। और तीसरी जो चीज मुझे अच्छी लगी वो ये थी कि खाने पीने के मामले में जो है ना, मुझे सिर्फ अपनाइयत जो लगी है ना वो मुंबई में मिली है, हर चीज कि मैं यहाँ से हर चीज खा सकता हूँ, जो जो चीज आई है वो सारी चीजें मैं खा सकता हूँ। लेकिन वहीं अगर हम हॉट डॉग की बात करें अमेरिका में या शंघाई में, न्यूयॉर्क और शंघाई पता नहीं, अब हॉट डॉग उन्होंने वैसे नाम ही रखा, वहाँ पे चीजें देखे तो मुझे जरा तबीयत खराब होने लगी। मैं यार ये क्या चीजें आ रही हैं, ये कैसी चीजें हैं, ये कौन खाएंगे, कैसे लोग खाते होंगे ये लोग, तो कहाँ से आते हैं लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग, कौन है, ऐसी चीजें खाते हैं ये लोग। ठीक है, तो हम रोटी रोटी खाते हैं ना, पराठे खाते हैं बेसिक लोग। सही बात है, इतनी हैवी डाइट कैसे खाते हैं, हमें जब तक रोटी ना मिले तो सुकून नहीं मिलता यार, बिना रोटी के तो खाना ही नहीं खाया। एक हफ्ते तक रोटी नहीं खाई, मेरी हड्डियां निकल आई बाहर। सुबह के टाइम पराठा हो, आए हाय जबरदस्त, आज चाय हो, ठीक है तो मजा ही आ जाता है। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग तो इस तरह के खाने अब मुझे नहीं आता, गर्मियों में थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन पराठा फिर भी अच्छा लगता है। पराठे के साथ अगर अंडा हो जाए, चने हो जाए या दही हो जाए, ठीक है, तो बड़ा अच्छा लगता है। दही घर जमानी चाहिए, और लस्सी हो जाए तो फिर और भी ज्यादा मजा आता है। लस्सी होनी चाहिए। ठीक, ये है हम लोग भी खाते, आप लोग भी खाते, ठीक है, हम लोग आप लोग इसी तरह की चीजें पसंद करते हैं, सेम टू सेम। इनफैक्ट मैंने तो नोट किया यार, वो हम जैसे हम लोग यहाँ पे करते हैं ना कि वो रात की जो रोटी होती है गीली करके तो फिर उसको तला जाता है, तो वहां पे भी ऐसे किया जाता है। हाँ, वो मुझे वो दोस्त बता रहे थे कि हमारे यहाँ भी ऐसे होता है, रात की रोटी होगी बनती है, वो हर जगह की अलग अलग होगी, जरूरी नहीं है कि हर जगह भी जैसी हो, बड़ी भी बनती होगी। हम तो बनाते हैं इतनी बड़ी रोटी, चलो हम बनाते हैं इतनी बड़ी रोटियां, वो खुद अंदाजा लगाओ ना। कैमरा पठानों के यहाँ बड़ी होती हैं, ठीक है, हमारे यहाँ थोड़ी छोटी होती है, तो जैसे जैसे ट्रेडिशन और लेकिन ये बात है कि जो बड़ी होती है उसको खाते भी ज्यादा लोग। हाँ, ज्यादा ज्यादा पीस करके छोटे 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 बात वही हो, यही है हमारी जो रोटी होती है उसके अंदर से हम फिर कहते हैं जितनी रोटी होती है एक बंदा तकरीबन दो रोटी इंडिया की होती है, इंडिया की जो होती है चपाती, हाँ वो तो बिल्कुल छोटी सी होती है, इतनी सी होती है, इतनी सी जब रोटी होती है ना वो हमारे यहाँ जब छोटी आटा थोड़ा सा रह जाता है ना, तो घर में जो छोटा बच्चा होता है ना
वो कहता है छोटी रोटी मेरे लिए बनानी है, छोटी रोटी मेरे लिए बनानी है। लेकिन उनका जो होता ना, लेकिन आपका ट्रेडिशन ये जो उनका लगता भी थोड़ा अलग सा, इतना सा होता तो ज्यादा अच्छा लगता। छोटी नरम नरम सी होती है और बड़ी ड्रामों में तो यही देखा आगे रियलिटी पता नहीं सीरियल्स के अंदर जाना यही देखा मतलब ये कि रियलिटी वो कि जैसा घर में अक्सर ना वो तो हमने टीवी सीरियल में ये भी देखा है कि जो औरतें हैं वो मेकअप करके सो रही हैं और मेकअप तो मेकअप हुआ होगा घी वाली रोटी मेकअप होता है और साथ जेवर लगे होते हैं खानों पे घी वाली रोटी मूंगी की दाल साथ वो हो गए हाँ घी वाली सुबह के टाइम अगर नाश्ते में ये भी होना बड़ा अच्छा लगता है घी की रोटी हो और उसके बाद दाल मूंग हो साथ में अचार भी हो तो मजा आ जाता है। ये कुछ चीजें हैं जो ट्रेडिशनल और दोबारा भूख लगना शुरू हो गई है ऐसी बातें करते जा रहे हैं तो गाइस वीडियो हमें बड़ा मजा आया। आपको रिएक्शन कैसे लगा जरूर बताना है। जाने से पहले मैं आपसे कहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे 1,00,000 सब्सक्राइबर्स पूरे वाचिंग पाकिस्तान।